आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इंडेक्स पढ़ेंगे और कौन मतलब इसे मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे निकालता है और कौन सी इंडिया की रैंक है और कौन से अन्य कंट्री की जो रैंक है वो हम देखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो कि क्वेश्चन है यहाँ पे वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 जो है तो इसे कौन लाता है? ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक यहाँ पे 77वीं है, ठीक है, और 2019 में 78वीं थी। और फर्स्ट कौन है यहाँ पे? तो नॉर्थ कोरिया है जो सबसे ज्यादा घूसखोर है। पर अगर बात करें एशिया में तो एशिया में सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी कहाँ पे होती है? तो इंडिया में होती है। और यहाँ पे सेकंड है हमारा वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंक। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंक में जो कि ओकला रिपोर्ट निकालता है जो रैंक, और जिसमें भारत की रैंक 131 है और फर्स्ट किसकी है? तो साउथ कोरिया की है। तो आप ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट इंडेक्स है और पिछली बार दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। अब बात करें एशिया पावर इंडेक्स में, एशिया पावर इंडेक्स जो कि हमारा अगला थर्ड है, तो एशिया पावर इंडेक्स जो कि लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा निकाला जाता है जिसमें इंडिया की रैंक 4th रैंक है और इसमें फर्स्ट कौन है? यूएसए। तो आप ये याद रखेंगे और ये चुने हुए हमारे मतलब क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। वैश्विक भुखमरी हंगर सूचकांक 2020 में, तो यहाँ पे देखें तो इसकी रैंक कौन सी है, मतलब इंडिया की रैंक कौन सी है? 94, ठीक है। और विल्ट हंगर हिल पे जर्मन संस्था है जो कि इसे रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है। और यहाँ पे फर्स्ट कौन है? तो बेलारूस। तो आप ये याद रख लेंगे, ठीक है। अगर बात करें तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट की 2020 की, तो UNEHS और प्लस बुडनिस द्वारा निकाला जाता है और इसमें इंडिया की रैंक जो है तो 89 है, इंडियन रैंक जो है 89 है। और फर्स्ट कौन है? वनुआतू। कौन है? वनुआतू। और मानव पूंजी सूचकांक 2020 निकाले मतलब जहां वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाली गई है और इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? 116 और फर्स्ट इसमें सिंगापुर मतलब यहां पे टॉप किया है। तो ये हम याद रखेंगे, तो आप इन्हें एक दो बार रिवीजन कर लेंगे और पेपर के समय इन्हें देख के जाएं, इंडेक्स से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अगर बात करें मानव पूंजी सूचकांक में तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जो निकाली गई है तो उसमें तो आपको पता ही 116 है। अब इसमें देखें तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में, तो इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? 85वीं मतलब 85, ठीक है। और इसमें जो कि टॉप में अपने यहाँ मतलब रहने योग्य जो शहर है तो आपको याद रख रहे हैं हैदराबाद है। और फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट जो है सिंगापुर है, ठीक है। और अगर बात करें आठवें में हम देखेंगे वैश्विक जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 है, तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 105 है और कनाडा की फ्रेजर यूनिवर्सिटी द्वारा इसे निकाला जाता है। फर्स्ट में देखें तो हांगकांग है, तो हम ये देख लेंगे। और अगर बात करें इसकी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स का कौन प्रस्तुत करता है, मतलब रिप्रेजेंट कौन करता है? IMD द्वारा निकाला जाता है, तो हम ये याद रखेंगे। इसके बाद और अगर ये यहाँ पे देखें तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में तो ये फर्स्ट रैंक इसकी है तो हांगकांग की है और इंडिया की रैंक 105 है, ठीक है। और आप इसे देख लेंगे और कनाडा की फ्रेजर यूनिवर्सिटी द्वारा इसे निकाला जाता है। इसके बाद हम अगली स्लाइड में चलेंगे। अगर बात करें तो अगली स्लाइड में हम तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में देखेंगे तो इसमें 48वां रैंक है इंडिया का और 2019 में 52वीं रैंक थी। अगर फर्स्ट में देखें तो स्विट्जरलैंड है, फर्स्ट में यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। और अगर बात करें अगली स्लाइड में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में, जो कि कुशमैन एंड वर्क फील्ड द्वारा निकाला जाता है, तो इसमें जो है इंडिया की रैंक 3rd है और फर्स्ट चाइना है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी इंस्टीट्यूट द्वारा मतलब किसके द्वारा निकाला जाता है, तो आप बताएंगे विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। और वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो होता है तो कुशमैन द्वारा मतलब कुशमैन और वर्कफील्ड द्वारा निकाला जाता है। अगर बात करें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020, तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में जिसमें रैंक इंडिया की 117 है और उसमें जो फर्स्ट टॉप्ड सिटी मतलब टॉप्ड कंट्री है तो वो है स्वीडन। अगर बात करें वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में तो इंडिया की रैंक जो है 139 है, ठीक है, और फर्स्ट जो है तो आइसलैंड द्वारा मतलब आइसलैंड जो है इसमें फर्स्ट है। अगर शांति के क्षेत्र में देखें तो आप लोग जा सकते हैं, आइसलैंड में बस सकते हैं, बस आपको आपके पास पैसे होने चाहिए। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में जो इंडिया की रैंक है
तो 34वीं है, और इसमें फर्स्ट कौन है, ब्रिटेन है। तो आप ये याद रखेंगे, वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक ने, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2020 में इंडिया की रैंक जो है 43वीं है, और इसे IMD द्वारा मतलब निकाला जाता है, और इसमें फर्स्ट कौन है, सिंगापुर, अगेन देखेंगे। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है, तो आपको ऑप्शन में दे के ये भी मिस कर सकते सकता है कि इसमें जलवायु वाला करके दे देगा कुछ भी ऐसे करके, तो आपको ये याद रखना है कि ये WTO द्वारा निकाला जाता है। इसमें जो है तो 168 रैंक है, जो इंडिया की रैंक है 168 है, और फर्स्ट यहाँ पे देखें तो डेनमार्क है। फर्स्ट कौन सी मतलब कंट्री है, तो डेनमार्क है, ठीक है। अगर बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में, तो इंडिया की रैंक जो है तो अपनी कितनी है, 142 है, कितनी है, 142 है। और अगर बात करें तो मतलब 142 है, और फर्स्ट में देखें तो नॉर्वे है, और यहाँ पे इस किसके द्वारा निकाला जाता है, तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा रिपोर्ट मतलब प्रस्तुत की जाती है, तो आपको ये याद रखना है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जो है, क्योंकि मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस द्वारा मतलब निकाला जाता है, और इसमें इंडिया की रैंक 144 है, और यहाँ पे फर्स्ट देखे तो फिनलैंड है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे हम अंतरराष्ट्रीय, ये रहा, हाँ, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें इंडिया की रैंक जो है तो 40 है इंडिया की रैंक, और फर्स्ट में कौन है, तो अमेरिका है, फर्स्ट में कौन है, अमेरिका। तो आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख चुके हैं, और अगले हम दो चार्ट तो कुछ इम्पोर्टेंट है जिनको हम बताएंगे आपको लिख के, तो हम अगली देखेंगे जिसमें हमारे कुछ हमने लिखा है अभी। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में जो इंडिया की रैंक है 57 है, ठीक है। अगर ईज ऑफ डूइंग मतलब बिजनेस में देखें तो यहाँ पे जो है इंडिया की रैंक कितनी है, तो 63 है, और टॉप कौन किया है, तो टॉप में फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में जो है तो अपना न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे इज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक, तो हम अगला हमारा जो है मानव विकास सूचकांक, ये 2019 का डेटा है, जिसमें टॉप किया है नॉर्वे ने, और इंडिया की रैंक जो है तो 129 है, नॉर्वे ने टॉप किया है यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करें तो किड्स राइट इंडेक्स में देखें, किड्स राइट्स इंडेक्स में देखें तो इंडिया की रैंक जो है तो 117 है, ठीक है। और यहाँ पे टॉप कौन किया है, तो आइसलैंड ने, ठीक है ना, आइसलैंड ने टॉप किया है, तो आप ये याद रख लेंगे, ठीक है। और इसमें देखें तो सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक में, जिसमें इंडिया की रैंक जो है 95 है, डेनमार्क मतलब जो फर्स्ट है, तो आप ये याद रख सकते हैं। और इसी के साथ हमने इम्पोर्टेंट जो है तो इंडेक्स पढ़ाए, और इस साथ सेशन का एंड करते हैं, और अगला सेशन हमारा जल्दी आएगा, और वो भी करंट अफेयर्स से लेके ही आएगा इस बार, तो आप सेशन पे बने रहें। थैंक यू, गुड बाय।